भारत का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड स्टेट है हरियाणा। अभी हाल फिलहाल में 92 पोस्ट निकली पीएन की, एक चपरासी दर्जे की पोस्ट निकली, जिसके लिए 20,000 बच्चों ने, उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए सिर्फ 92 पोस्ट के लिए, जिसके अंदर ये जो 20,000 है उसमें एमबीए, बीएड, जेबीटी, इस एजुकेशन तक के इसमें जो उम्मीदवार थे वो शामिल हुए। अब इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी इस राज्य में क्यों, इसका जवाब तो मेरे पास तो है नहीं। ये शायद अपने गवर्नमेंट ही दे सकती है इसका जवाब। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं गवर्नमेंट से सवाल जानना चाहता हूँ क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है स्टेट में, क्यों सिर्फ 92 सीटों के लिए, जो पीएन जो है, जो चपरासी हैं उनकी पोस्ट के लिए 20,000 उम्मीदवार अपना आवेदन देते हैं, क्यों उतना उनको पढ़ाई करनी पड़ी, वो एमबीए किया, जेबीटी किया, बीएड किया, क्यों किया भाई उन्होंने इतनी, अगर उन्हें ही एक पीएन की जो पोस्ट चाहिए होती है। अगली बात, एक जो पॉलिटिक चलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, अभी हाल फिलहाल में 2019 फरवरी के अंदर रिजल्ट निकाला गया ग्रुप डी का। 20,000, लगभग 18 से 20,000 की पोस्ट थी, जिनके अंदर सब बच्चों को एकदम धड़ल्ले से लगा दिया गया। 3 महीनों के अंदर पोस्ट निकालते हैं, इनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, रिजल्ट देते हैं, इनकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। अच्छी चीज़ है ना, सुनने में अच्छी चीज़ लग रही होगी कि 3 महीनों के अंदर, सिर्फ मात्र 3 महीनों के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम होता है। ग्रुप डी का मतलब होता है कि बहुत लो लेवल का एक एग्जाम है, जिसके अंदर यकीन मानो बीटेक लेवल, बीए, यानी ग्रुप डी क्या होता है यार, चपरासी की एक पोस्ट होती है, बहुत नीचे पायदान की एक पोस्ट होती है, उसमें एक बीटेक लेवल का बच्चा वहां पे अपने आवेदन दे रहा है यार। अब 3 महीनों के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा के, उसका रिजल्ट दे के उसको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। अच्छी बात है। अब एक दूसरी चीज सुनो, 2015 के अंदर, जनवरी के अंदर, 2015 जनवरी के अंदर स्टार्टिंग में ही हरियाणा एसआई के फॉर्म निकलते हैं। हरियाणा एसआई यानी हरियाणा सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार की जॉब निकलती है यहाँ पे। 2015 के अंदर जब इस एसआई के फॉर्म निकले, इस एग्जाम को कब हो जाना चाहिए था, तो इस एग्जाम को तो मेरे हिसाब से 3 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए था, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च में, यानी इसका एग्जाम हो जाके इन बच्चों का भी शायद इनको ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए थी। इनका एग्जाम हुआ 2018 के एंड में, दिसंबर, नवंबर दिसंबर के लगभग यहाँ पे हुआ। अब जब ये एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट दिया 2019 के फरवरी में ग्रुप डी के साथ ही, इनके भी उसी वक्त एग्जाम, इनका रिजल्ट देने के बाद इनको भी तभी ज्वाइनिंग करा दी गई। ये 2019 फरवरी में ऐसा हुआ क्या था, जिनके अंदर इलेक्शन थे, रियलिटी ये थी, जिनके अंदर इलेक्शन थे, एमसी के चुनाव थे हरियाणा के अंदर। ये जो सारी पॉलिटिक्स चलती है ना इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर, कि भाई इसमें बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया जाता है, यानी 5 साल के लिए। अब ये समझ लो, अभी थोड़े हाल फिलहाल में जॉब निकली हुई थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने जॉब निकाली हुई थी, उनका एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा अब तक, अब हो भी नहीं पाएगा, आचार संहिता अब लग जाएगी, आने वाले टाइम में इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगी, एग्जाम हो नहीं पाएगा, जॉब मिल नहीं पाएगी, लटकते रहो सारी उम्र तक, फिर 5 साल के लिए लटकते रहो, वेट करते रहो। हमें ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि पॉलिटिक्स क्यों चलती है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, क्यों जो काबिल जो स्टूडेंट है उसको क्यों नहीं लगाया जाता आगे, क्यों नहीं लाया जाता अब आगे। अब एक और चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके एग्जाम कंडक्ट कराने का, हरियाणा एसआई का सिर्फ एक क्वेश्चन, एक पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा 2 स्टार की जॉब के लिए। अब कौन गारंटी लेता है कि वो एग्ज़ाम जो बंदा क्लियर कर रहा है कि वो सही निकलेगा, वो 2 स्टार की जॉब उसको मिलेगी तो वो भ्रष्ट नहीं होगा उस चीज़ में, जो उसके कंधे पे जो 2 स्टार निकलेंगे वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा, किसकी कौन गारंटी लेता है। एक एग्जाम भी, वो भी कैसा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तुक्के मारो लगना स्टार्ट हो जाओ, तुक्के तो लगना है वहां पे, कोई पढ़ने लिखने वाले के लिए तो वो तो घाटा ही है। अब वो तो तुक्के मारता चला जाएगा, एक जिसने पढ़ा नहीं, जिसने तैयारी नहीं की वो तो तुक्के मारेगा, और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो कहीं ना कहीं उसमें कम्पीट करने में पीछे रहेगा ना यार। एक एग्जाम कैसे ये तय कर सकता है कि जो ये जॉब पा रहा है वो उसके काबिल है या नहीं है, बाद इसके एग्जाम होने के बाद इसका कोई इंटरव्यू भी नहीं है यार, कहाँ तक विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विदाउट इंटरव्यू तुम उसे कैसे 2 स्टार की जॉब दे सकते हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब अगर इसके अंदर और गहराई में जाके बात करें कि इसका एग्जाम होता कैसे है, इसका क्वेश्चन उठा के देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत हाई लेवल के होते हैं। अरे ग्रुप डी का दे कौन रहा है, प्लस 10th लेवल के बच्चे, कमाल हो यार, मतलब कॉमन सेंस ही नहीं है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, जो गवर्नमेंट है इनको क्या थोड़ी सी भी सेंस है कि भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब की बार, अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, ये इस वक्त ये मुद्दा
काफ़ी टाइम से मेरे दिल में था कि यार ये चीज़ मैं पूछूं, शायद कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंचे ये बात कि ये जो हो रहा है ना, ये पॉलिटिक्स जिस इस जॉब के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर चलती है, तो ये कहीं ना कहीं बंद हो जाए और लोग इसके ऊपर सोचने पे मजबूर हैं। यार सबको ये लगता है कि ये तो छोटी सी बात थी ना, SI का एग्ज़ाम 4 साल में कंडक्ट कराने में लग गया, तो क्या हुआ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ सोचो, एक एग्ज़ाम उन्हें कंडक्ट कराने में 4 साल लगे, बाकी काम क्या करेंगे वो, बाकी क्या काम कहाँ से वो कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में वो अपनी स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी तो एग्ज़ाम आ रहा है ना। अब जब एग्ज़ाम इनका आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो इनको दिखाना पड़ेगा, तो सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करो। अभी जो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है और पीछे वाली गवर्नमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि ये पहली वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, ये वाली गवर्नमेंट बहुत ख़राब है, नहीं, ये सारी गवर्नमेंट एक जैसी हैं, सब के सब गवर्नमेंट जॉब पे ही पॉलिटिक्स खेलते हैं, एंड मोमेंट में आके वो बच्चों को जॉब देते हैं। ऐसा क्यों, बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा होता है, उन जो काबिल हैं उनको तो लगाओ, जो सही ढंग से पढ़ रहे हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो कुछ करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में आके, तो उनको तो वो जॉब दे दो ना यार। और सेकेंड चीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सुधारना चाहिए, सोच समझ के उनके अंदर क्वेश्चन पुट आउट करने चाहिए कि भी क्या पूछें वो अच्छे से। अगर 10th लेवल का अगर तुम क्वेश्चन कंडक्ट करवा रहे हो, एक 10th लेवल तक के तुम वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, तो वहाँ तक 10th लेवल का ही दे के रखो, उससे हाई लेवल का मत लेके जाओ। अब दूसरी चीज़, जब SI का तुम अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 पेपर तो रखो और दोनों में नेगेटिव मार्किंग रखो, तब जाके एक अच्छा उम्मीदवार वहाँ पे आप लोगों को, एक अच्छा कैंडिडेट तुम्हें वहाँ मिल पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट होने का रीज़न यही है कि वो गवर्नमेंट जॉब, तो चलो गवर्नमेंट जॉब एक साइड में रखते हैं, बात करें प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब तब मिलती है जब बच्चे के पास कोई स्किल होती है। अब स्किल कहाँ से आएगी, जब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज हैं वो अच्छे से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, उन्हें प्रैक्टिकल अच्छे से दें। अब इसके ऊपर भी बहुत बुरा हाल है, अगर ऐसा ही ना होता तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता। तो बस आज के लिए बस इतनी ही वीडियो थी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।